हेलो किचन मम्मी, आप सभी का स्वागत है। आप सोचोगे ये क्या है, पर कुछ नहीं, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट लगेंगे, बड़े मज़े के फ्लावर बन जाएंगे। मकर संक्रांति भी चल रहा है तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। मकर संक्रांति पे ये मज़े, ये देख सकते हैं कितना क्लीन और प्रॉपर एक फ्लावर जैसे निकला भी है। आप सोचोगे क्या बना, कुछ नहीं चलो देखते रहे। बस ये मैंने एक बाउल था, कितना कुरमुरे लिए, इसे थोड़ा सा मैं सॉफ्ट कर, मतलब सॉफ्ट हुआ है तो मैं इसे क्रंची कर ले रही हूँ, तो इसे मैं थोड़ा चला के 2 मिनट। और ये देखिए कलर भी चेंज हो गया। अगर इसे हम हाथ से उठा के मैश करेंगे, मतलब तोड़ेंगे, तो ये एकदम पाउडर जैसे हो रहा है, ये देखिए। तो बस इसे हम ट्रांसफ़र करके रख देते हैं एक थाली में। और मकर संक्रांति की बहुत सारी रेसिपी है जिसे मैं आपको मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप जहाँ से जानना है वहाँ से देख सकते हैं। बस ये मेरे पास केक का टिन था, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर दे रही हूँ। आवाज़ को अवॉइड करना क्योंकि थोड़ा क्लाइमेट ऐसा है, कफ का प्रॉब्लम होना ही होना है। तो बस ग्रीस करके साइड रखे। अब इस कढ़ाई में मैंने थोड़े से गुड़ लिए 50 ग्राम के लगभग, उसमें थोड़ा पानी डाल दे रही हूँ 1 टीस्पून कितना। और बस इसे मेल्ट कर लेंगे। फ्लेम मीडियम लो ही रखेंगे, हाई बिल्कुल नहीं करेंगे और मीडियम भी नहीं, एकदम मीडियम लो। तो बस ये अच्छे से मेल्ट हो गया। अब हमें सोचना है ये हुआ कि नहीं हुआ, तो सिंपल से एक कटोरी में पानी लो, इसमें थोड़ा सा ये डालो एंड देन लीव इट फॉर 30 सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड इसे छोड़ो एंड देन इसे इकट्ठा करेंगे। तो ये एक इकट्ठा हो जा रही है, देखिए एक बॉल जैसे छोटा सा बन रहा है, दिख रहे हैं ये प्रॉपर कंसिस्टेंसी है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो बस ये अच्छे से हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे कुरमुरे और इसे भी एकदम फ्लेम लो कर देंगे और एकदम ही लो करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। देन ये सब अच्छे से मिल जाएगा। तो हमने जो केक टिन ऑयल से ग्रीस किया ना, उस पर मैं थोड़े से पिस्ते गार्निश कर दे रही हूँ क्योंकि अच्छा भी दिखेगा। और तो बस इसे ग्रीन कलर के पिस्ता जो हम होते हैं वो डाल दिया। इसके ऊपर से मैं ये मुरमुरे डाल दे रही हूँ और इसे अब इक्वल साइज करना है। तो मैंने ये पलटी ली, इस पर थोड़ा ऑयल लगा दूँ ताकि कुरमुरे और गुड़िया स्टिक ना हो। और इसे अच्छे से फ्लैट कर देना, ये प्रॉपर अच्छे से फ्लैट हो जाए, बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं 2 मिनट में। तो बस इसे अच्छे से मैं फ्लैट करके ठंडा होने के लिए रख दिया साइड में 2 मिनट एंड देन ये देखिए काफ़ी अच्छे से ठंडा भी हो गया, ये देख सकते हैं। अब इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे और थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि ईजिली निकल भी जाता है, ये देखिए दिख रहा है आपको ईजिली, और ये कितना क्लीन निकले। तो क्या बोलते हैं ना मज़े। उम्मीद करते हैं आपको जरूर ये रेसिपी पसंद आएगी और बहुत सारी रेसिपी जो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा मकर संक्रांति की रेसिपी। तो तब तक बाय बाय।